निवेदिता। दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, चीन में भी देखने को मिल रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में पिछले साल की तुलना में इस साल की जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की विकास दर अनुमान से भी कम सिर्फ 6% रही। ये विकास दर चीन के 27 साल के इतिहास में सबसे कम है। चालबाज चीन की यह हालत अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की वजह से हुई है, जिसके चलते फैक्ट्री उत्पादन कम हो गया है और चीन में घरेलू स्तर पर उत्पादों की मांग घट गई है। शुक्रवार को जारी किए गए जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ 6% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि दूसरी तिमाही के दौरान ये आंकड़ा 6.2% का था। 1992 के बाद पहली बार किसी तिमाही के लिए जीडीपी का ये सबसे खराब आंकड़ा है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष के लिए चीन का अनुमान 6 से 6.5% का है। आंकड़े बताते हुए चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्रवक्ता माओ शेंगयोंग ने कहा, देश घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर रहा था। हालांकि चीन की इकोनॉमी ने स्थिरता बरकरार रखी है और लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हुआ है। सिंगापुर के इकोनॉमिस्ट होवो चेन ने कहा, अमेरिका और चीन के ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब भी अनिश्चितताएं हैं। मुझे लगता है कि 15 दिसंबर को लागू होने वाले शुल्क 2020 की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेंगे। पिछले कुछ महीनों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चीन के साथ एग्रीमेंट के करीब हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी इसमें काफी असर बाकी है। चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका अब तुर्की की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। सीरिया में सैन्य कार्रवाई की वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। मंगलवार को ही तुर्की के स्टील टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी, साथ ही 100 मिलियन यूएस डॉलर की डील को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। दुनिया भर में छिड़े ट्रेड वॉर में भारत भी पीछे नहीं है। कश्मीर मसले पर अपनी नाक घुसा रहे मलेशिया को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर उसकी अकड़ ढीली करने की रणनीति बनाई। और जैसे ही भारत ने मलेशिया के पाम ऑयल खरीदने पर रोक लगाने का विचार भर किया तो वो औकात पर आ गया, जिसके बाद मलेशियाई राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद ने भारत के साथ नेगोशिएट करने की बात कही है।